तो मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां एमबीए की छात्रा से गैंगरेप का मामला। तो आईजी कार्यालय पर छात्रों का हंगामा, सैकड़ों छात्रों ने आईजी कार्यालय को घेरा है। आरोपियों को गिरफ्तारी करने की जो मांग है वो यहां पर इस हंगामे के जरिए की जा रही। तो भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात, कार सवार चार युवकों पर अपहरण गैंगरेप का आरोप लगा है। तो मेरठ के कॉलेज में पढ़ती है पीड़ित छात्रा, तो इलाज के लिए पीड़ित को मेरठ रेफर किया गया है। पुलिस मामले को संदिग्ध बता रही है। तो मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि हंगामा यहां पर जमकर किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर मेरठ से, तो पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है। तो फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर हर एक एंगल से पुलिस की तरफ से जांच जारी है। तो एमबीए की छात्रा से गैंगरेप का ये पूरा मामला है, जहां पर आईजी कार्यालय पर छात्रों ने हंगामा किया है। ये हापुड़ का जो ये प्रकरण है, इसमें पूरी तरह से तफ्तीश की गई है। ये लड़की जो कि बालिग है, अपने पूर्व के सहपाठी और उनके घर में के बगल में रहने वाला एक लड़का, जो कि अपनी बुआ के यहाँ रहता था, के साथ अपनी इच्छा से गई थी। आज की डेट में उसकी चिकित्सा व्यवस्था कराई जा रही है। वो पूरी तरह से स्वस्थ और सकुशल है। जो मेडिको लीगल कार्रवाई की गई है, उसमें बलात्कार की कोई पुष्टि नहीं हुई है। प्राथमिक तौर पर किसी भी तरह से बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी सभी प्रकरणों में विवेचना की जा रही है। ना ही ये गैंगरेप का प्रकरण है और ना ही ये किडनैपिंग। तो आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग इन हंगामा कर रहे छात्रों की तरफ से की जा रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में आईजी कार्यालय पर छात्रों की तरफ से हंगामा यहां पर पहुंचकर किया गया है, और लगातार ये मांग की जा रही है कि जो रेप का आरोप यहां पर लग रहा है, रेप के आरोपी पर कार्रवाई हो। हालांकि अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की तरफ से अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी है, लेकिन जो शुरुआती जांच में निकलकर सामने आया है, उनका साफ तौर पर पुलिस का यह कहना है कि कोई रेप की पुष्टि यहां पर नहीं हुई है। तो अभी फिलहाल इस पूरे मामले को संदिग्ध लेकर चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनव्वर खान लाइव जुड़ गए हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। मनव्वर, अब छात्रों की तरफ से हंगामा के जरिए कार्रवाई की जो मांग है वो लगातार यहां पर की जा रही है, तो क्या अभी तक पहुंची है कार्रवाई और फिलहाल स्थिति क्या है, वो क्या देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे पहले बता दूं, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको यूपी के निर्भया का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मेरठ की यूनिवर्सिटी से गाड़ी में छात्रा को ले जाया गया और बुलंदशहर में जाकर उसका जो आरोप है रेप किया गया, गैंगरेप किया गया, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण में हापुड़ में मुकदमा दर्ज है। फिलहाल छात्रा के चेहरे पर रॉड से वार किए गए हैं, वो मेरठ के मेडिकल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस मान रही है कि अभी रेप की पुष्टि नहीं हुई है और उसी एंगल पर पुलिस आगे अपनी जांच तोड़ा रही है। लेकिन यहां पर तमाम जो छात्र थे वो आज आईजी कार्यालय पहुंच चुके हैं और सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर सीधी कार्रवाई करने का जो है मन बना चुके हैं। उनका कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले में तेजी से कार्रवाई करे, जांच करे, जिन लोगों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है उन पर गिरफ्तारियां हो, उनकी कार्रवाई हो। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में जो विपक्षी दल है वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये यूपी की निर्भया है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को अभी संदिग्ध माना है। पुलिस का कहना है कि अपने सहपाठी के साथ हो गई थी और हो सकता है इस प्रकरण में जो है रेप ना हुआ हो, लेकिन अभी जो छात्रा है उसके 164 के बयान दर्ज होने हैं और उन बयानों के आधार पर ही पुलिस आगे की जांच और कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल, लेकिन अभी जिस तरह से पुलिस प्रशासन का यहाँ पर बयान सामने आया और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं संदिग्ध है ये पूरा मामला, क्योंकि जो शुरुआती जांच में निकलकर सामने आया उसमें रेप की पुष्टि नहीं होती है, बल्कि खुद स्वेच्छा से लड़की उसके साथ गई थी। देखिए, रेप की पुष्टि होना ना होना मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर है अभी। हालांकि अधिकारी जो आईजी रेंज के ऑफिसर हैं वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो जांच में आएगा, जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर मालूम होगा। और साथ ही साथ जो 164 के लड़की के बयान दर्ज होंगे उसमें वो बताएगी कि आखिर ऐसी वारदात हुई है या नहीं हुई है। लेकिन प्रथम दृष्टि ये जो रॉड से चेहरे पर वार किए गए हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से निर्ममता की गई है, किस तरीके से जो गाड़ी थी उसके अंदर
लड़की पर वार किए गए हैं और हो सकता है, जो बताया जाता है कि कई लोग मौजूद थे गाड़ी के अंदर, रेप की घटना हुई हो, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं अपना फॉल्ट छुपाने के लिए ऐसा प्रथम दृष्टया बयान देती है, लेकिन तमाम चीजें जांच में आ जाएंगी। इसके बाद ये मालूम होगा कि वास्तव में यूपी के अंदर बेटियां सेफ है या नहीं है और पुलिस क्या उन बेटियों की सुरक्षा रक्षा कर पा रही है या नहीं, क्योंकि ये मेरठ के मेडिकल यूनिवर्सिटी से मामला जुड़ा है। यूनिवर्सिटी के आसपास से ही छात्रा थी, उसका अपहरण करने की बात की जा रही है और साथ ही साथ उसको बुलंदशहर में ले जाकर रेप करने की बात की गई है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो मुकदमा दर्ज है वो हापुड़ में बताया जा रहा है। बिल्कुल, लौटेंगे मनोवर आपके पास। तो फिलहाल आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह का तनावपूर्ण को जो है माहौल देखा जा रहा है। एमबी की छात्रा से गैंगरेप का ये पूरा मामला है, जहां एक तरफ पुलिस ये कह रही है कि रेप की पुष्टि जो है वो यहाँ पर नहीं हुई है, बल्कि स्वेच्छा से लड़की यहाँ पर आरोपियों के साथ गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ जो छात्र है उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि जिस तरह से जो पीड़िता है उस पर रॉड से हमला हुआ है, उसको चोट पहुंचाई गई है, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई इन चारों आरोपियों के खिलाफ होनी चाहिए। तो एमबी की छात्रा से गैंगरेप का ये पूरा मामला, जहां पर आईजी कार्यालय पर छात्रों ने हंगामा किया है और इस हंगामे के जरिए पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि दूसरी तरफ जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं यहां पर ढिलाई कोताही बढ़ती हुई मामले पर नजर आ रही है। हालांकि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये वक्त आगे देखना होगा। तो फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात।